अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत्य अकाल जी, कैसे हैं आप लोग? तो खैरियत से होंगे। तो आप लोग, आज मैं बतलाना सोच बोल रहा था कि आप लोग वीडियो में मैं गाड़ी के बारिशात में कैसे चलाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बारिश होती है, उस थोड़े बारिश होने के टाइम पे ऊपर से मिट्टी गिरती है। जैसे आपने यहाँ आधी तूफान आता ना, ऐसे यहाँ पे भी होता है सऊदी अरब के अंदर, तो ऊपर से मिट्टी टाइप के रेत होता है ना, लाल वाली बालू, वो गिरती है। तो यहाँ पे रोड नहीं दिखता, तो इसीलिए फ्लैश लाइट, जो हम लोग फ्लैश लाइट भी बोलते हैं, पार्किंग लाइट बोलते हैं, और हज़ार लाइट इंडिया में बोलते हैं, हज़ार सूट जो होता है वो टाइप के, जैसे तीर वाला रहता है ना, तीर बन के वो जो रेड कलर का रहता है, उसको पुश करने पे चारों लाइट जलता है, दो आगे दो पीछे, वो फ्लैश ऑन ऑफ ऑन मन होता है। उससे क्या है कि पीछे वाले को पता चलता है ना कि आपका आगे वाला गाड़ी ख़राब है या सावधान है या सतर्क चल रहा है, मतलब स्लो चल रहा है, उस हिसाब से आपको मिलता है। और बारिश यहाँ इंडिया की जैसी नहीं होती है, इंडिया में मोटा बारिश होता है, ये नहीं, अपने यहाँ बारिश हुआ छोटा कम ही होता है, यहाँ ज़्यादा होता है। कब बारिश आएगा, कब मतलब ये बारिश आपको दिसंबर से चालू होगा तो जनवरी तक, मतलब दो दो महीना फिक्स रहता है ये बारिश। बारिश का तो मौसम नहीं होता, यहाँ बारिश तो होता ही नहीं, बाकी इंशाल्लाह ये हो रहा है तो अल्लाह के शुक्र है कि सही है, बारिश होनी भी चाहिए। तो बारिश के टाइम पे आप लोग नए भाई जो आए हैं, अच्छा आने वाले हैं, तो हम सोचे कि भैया हम तो एक साल दो साल गुजार लिए, तीसरा सफ़र होने वाला है बारिश में, चलो इसमें वीडियो हम बना देते हैं। कोई भाई को उस दिन में बोला भी था उस वीडियो में कि मैं बारिश के टाइम पे वीडियो बनाएंगे, तो आज वीडियो में सोचा बैठा हूँ तो थोड़ा बना लूँ। क्यों, देखिए वीडियो में इसलिए मैं अपडेट नहीं कर रहा, जो रियल जो चीज़ मालूम हो जो, तो उसको बतलाने में अच्छा लगता है। मान लो किसी को गलत बतलाओ अच्छा नहीं है, देखिए किसी को बतलाओ तो सच्चे बतलाओ, सच में चाहे अपनी जान क्यों ना चला जाए। तो यही बात है कि आप गाड़ी चलाइए अच्छे से, वाइपर का तो आपको मालूम है, बारिश जब ज़्यादा हो जाएगा अगर नहीं दिखे तो वाइपर चलाइए, और सबसे मेंटेनेंस गाड़ी बरसात में ज़्यादा रखना चाहिए, वाइपर का मेन काम है, जो हम लोग वाइपर ये बोलते हैं ना, देखिए आपको दिखला रहा हूँ, देखिए मैं चला रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए चल रहा है ना, ये मेन वाइपर बारिश में ज़रूरत होता है, और टाइम पर तो नहीं बाकी बारिश के टाइम पर ज़रूरत ज़रूरत होता है। इसमें पानी भी आता, देखिए फुहारा मारूँगा, ये गाड़ी पर मेरा पानी आ रहा हुआ देख रहे हैं, तो ये पानी मेंटेनेंस, देख रहे हैं बारिश हुआ है, देखिए बारिश में गाड़ी कैसे चल रही है, अभी नॉर्मल बारिश हुआ है, फास्ट बारिश नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप लोग को बोला हूँ कि आप लोग गाड़ी मेंटेनेंस पहले रखिए, क्योंकि पानी वाइपर में के पानी नहीं रहेगा, कहीं आपको धूल गुबार मिट्टी सब कांच पे पूरा पड़ गया तो आपको दिखेगा नहीं, तो कैसे आप गाड़ी चलाएंगे। तो आपको पानी मेंटेनेंस, गाड़ी की मेंटेनेंस तो होता ही है डेली, बाकी अपना करिए। देखिए ड्राइवर का मतलब होता है अपने से पहले, चलने से पहले गाड़ी मेंटेनेंस कुल होना चाहिए। अब गाड़ी इलेक्ट्रिक चीज़ हो तो कुछ हो सकता है, वो तो अलग बात है, बाकी अपने से तो सतर्क रहें, गाड़ी में टायर में हवा नहीं तो निकल जाए तो दिक्कत, उसके बाद गाड़ी में आयल कमी, ब्रेक आयल कम, इंजन में कोई फॉल्ट रहे, क्या एक डायरी रखते हैं हम लोग, हम कौशल विकास में ट्रेनिंग कर रहे तो हमको वहाँ थोड़ी सब समझाया गया था, प्रैक्टिकल सब बतलाया गया था, तो उस थोड़े मैं बतला रहा हूँ कि आपकी गाड़ी के मेंटेनेंस, सुबह उठो तो ब्रश करने के बाद, अपना नाश्ता करने के बाद आप गाड़ी मेंटेनेंस कर लो, क्योंकि भाई ये आपको कभी भी जॉब लग, कभी भी आपको ड्यूटी लग सकता है। तो आप पहले क्या हुआ, गाड़ी को देखो, देखो चारों टायर देख लो, नीचे कुछ हो वो भी देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद नीचे देखेंगे झुक के, तो एक फ़ायदा होता है कि हम गाड़ी चला के रात को लाए थक गए नहीं मेंटेनेंस के, चलो छोड़ हटाओ, सुबह उठेंगे तो गाड़ी जगह पर खड़ी है, तो आयल पानी, ये पानी मेरा लीकेज हुआ, रेगुलेटर का जो होता है पानी लीकेज तो नहीं हुआ, आयल तो कोई लीकेज नहीं हो रहा है, कुछ मेरा कोई गाड़ी का तो फॉल्ट नहीं, मेरे को क्या गाड़ी जगह पे खड़ा होती है तो रिलैक्स गाड़ी होती है, जब खड़ी रहती है 6 घंटा 7 घंटा 10 घंटा गाड़ी खड़ी होती है तो उससे पता चल जाता, नीचे मेरा कुछ गिरा रहा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अपने एंट्रेंस कर लीजिए, उसके बाद गाड़ी में अपना टूल भी चेक करना ज़रूरी है, मेरा स्टेपनी नहीं है, मेरा बिल पाना पैक्चेस, ये जो जो इलेक्ट्रिक जो स्टेपनी के लिए जो ज़रूरत होता है टूल बॉक्स में जो रहना चाहिए वो चेक करना चाहिए, उसके बाद गाड़ी के आयल पानी चेक करने के मेंटेनेंस करने के बाद फिर अपना गाड़ी स्टार्ट करिए, गाड़ी स्टार्ट करके साफ़ सफाई कर लीजिए, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अपनी गाड़ी साफ़ रहेगी तो अच्छा लगता है, अपने को भी कभी बाई मिस्टेक धूल मिट्टी आ गया तो अपने को नुकसान होगा, अंदर बाहर साफ़ करने के बाद गाड़ी रेडी कर लीजिए, उसके बाद चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और बारिश का तो बतला ही दिया कि आप बारिश के टाइम पे आगे अगर गाड़ी फ्लैश लाइट जला दे तो आपको भी लाजिम फ्लैश लाइट, मतलब आपको ज़रूरत है फ्लैश लाइट जलाने की, सामने वाले पीछे वाले को भी पता चल जाएगा,
तो आप फ्लैश लाइट चला के चल सकते कब, जब उसका जरूरत हो। फ्लैश लाइट कब आता है, जब कहीं गाड़ी में मेरा फॉल्ट हो गया तो फ्लैश लाइट या पार्किंग लाइट बोलते हैं, हज़ार लाइट बोलते हैं, उसको जला के हम चलेंगे तो समझ में आ जाता है हाँ सामने वाली गाड़ी के प्रॉब्लम है, वो अपनी साइड करेगा या कुछ आगे जाके वो अपनी दिशा बदलेगा या ट्रैक बदलेगा या जगह बदलेगा या पार्किंग में जहाँ मिलेगा वहाँ लगाएगा गाड़ी, क्योंकि पीछे वाले को नहीं पता चलेगा ना कैसे कि वो गाड़ी क्या हो रहा है। तो उसमें 10 तरह का होता है, 1000 लाइट जलाने के बाद भाई गाड़ी में नया आदमी होगा, लर्निंग मतलब ट्रेनिंग वाला भी वो भी हो सकता है, गाड़ी में फॉल्ट है या गाड़ी में आगे वाली गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए ये सावधान किया हमको, ये सब गाड़ी का थोड़ी होता है। प्रैक्टिकल मतलब गाड़ी का लैंग्वेज हम लोग जैसे किसे हम लोग बोलते हैं इशारे के बात करते हैं या कोई चीज़ भी बोलते हैं तो हम लोग इशारे के वाले इंसान से इशारे से तो उसकी हो हॉबी से पकड़ते हैं, उसी में गाड़ी के ये सब लैंग्वेज है। 1000 लाइट जलाने का क्या होता है, इशारा लाइट जो इग्निशर बोलते हैं उसको जलाने के लिए क्या होता है, राइट इशारा लेफ्ट इशारा जो भी हम लोग दिखलाते हैं उसका थोड़ी होता है इस मतलब उसकी ज़रूरत होती है, इसीलिए पीछे वाली गाड़ी को, आप पीछे वाले गाड़ी को तो बोलोगे नहीं भैया क्या आप रुक जाइए हम रुकने वाले हैं, अच्छा हम राइट मारने वाले, यही से होता है कि आप लाइट जलाइए इग्निशर जलाइए इशारा करिए, इशारा करने के बाद अपना साइड में जिस साइड में जाना है उस साइड का मिनर गिलास आप देखिए, थोड़ा मुंड नहीं होगा अगर स्लो है मुंडी से देख लीजिए कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तब अपनी दिशा बदल लीजिए लेफ्ट हो या राइट हो या यमीन, देखिए यहाँ अपने इंडिया वाले लेफ्ट राइट समझ जाएंगे और यहाँ पे भी समझते हैं और दहिने बाएँ कम समझते हैं क्योंकि अपना शुद्ध भाषा हो गया, तो आप लेफ्ट राइट भी समझ सकते हैं, लेफ्ट में यहाँ पर स्टेयरिंग है राइट में फ्री है, मतलब राइट में अपना स्टेयरिंग नहीं, अपने यहाँ राइट में स्टेयरिंग है लेफ्ट में फ्री रहता है, लेफ्ट में आप कहीं भी घूम सकते हैं, यहाँ पर राइट में फ्री है लेफ्ट में वो भी हर जगह नहीं, कहीं कहीं लिखा हो बोर्ड साइन बोर्ड दिया है कि आपको लाजिम 5 सेकेंड रुकना है, मतलब एक फ्लैश लाइट पे इशारे पे कैमरा लगा है वहाँ पे ना 5 सेकेंड आपको रुकना पड़ेगा, 5 सेकेंड गिन के मतलब एक बार ब्रेक ले लीजिए 1 2 3 4 5 पाँच तक गिनिए और चले जाइए समझे, राइट साइड में हर जगह कहीं कहीं पे कैमरे पर तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं कहीं मिस्टेक से मुखलफा आ जाएगा, तो आप लोग ये ध्यान रखिए और बारिश में आइए तो अच्छे से गाड़ी चलाइए अल्हम्दुलिल्लाह सबकी भाई लोग को, देखिए सबकी सबकी सोच होती है सबकी सबका इरादा होता है, बाकी कोई चाहता नहीं है कि हमारा गाड़ी में कुछ हो जाए, बाकी नसीब अल्लाह की मर्ज़ी भगवान गॉड सबका उनके सिवा किसी के नहीं होता, हम भी आए थे हम इतना इंडिया में गाड़ी को खिलौना से थे, यहाँ आए तो भैया हम गाड़ी से खुद मैं डर रहा था, एक हफ्ते तक मेरे को गाड़ी का ट्रेनिंग लेना पड़ा, तो ये उतना नॉर्मल बात है, आप इंडिया में गाड़ी चलाए हैं तो कोई डरिए नहीं, देखिए खौफ हर चीज़ का इलाज नहीं है, बिना हर चीज़ का इलाज है खौफ का इलाज नहीं है, अगर अंदर डर पैदा कर लेंगे कोई काम में कोई सा चीज़ में ना तो आप सक्सेस, अगर डर निकाल दे तो सब सक्सेसफुल है हर चीज़ में, आपको हमको डिसाइड करना है कितना दूर में हमको गाड़ी निकालना है, हम कंफ्यूज रहेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, हाँ अपना कहेंगे हाँ इंशाल्लाह निकाल लेंगे चैथी रहेंगे हाँ अपने इतनी गाड़ी की चौड़ाई है इतनी है निकाल लेंगे, ओवर कंटेंस मतलब ओवर स्मार्ट या ओवर एथी बनने का में नुकसान ही नुकसान है फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए आप कोई चीज़ क्योंकि मेरे को भी मैं भुगत चुका हूँ भाई, मैं ओवर कंटेंस मतलब अपनी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कितनी गाड़ी में ठोका हूँ जी, तो यही होती है, तो आप लोग नहीं अगर नहीं समझ में नहीं मालूम है डायरेक्ट बोलो अपने बॉस कपिल मालिक से बोल सकते हो कि सर, सर भी बोल सकते हैं सर मेरे को ये नहीं प्रॉब्लम है, वो खुद करेगा क्योंकि जान रहा है कि इंडिया में ये है, इंडिया में कोई तरीका अलग है यहाँ का तरीका अलग है, रोड अलग है तो स्टेयरिंग अलग है तो रोड भी अलग हो जाएगा, मतलब रोड वही है रोड भी है लाइट सब नियम सब वही है, बाकी इंडिया में कम फॉलो करते हैं यहाँ फॉलो करना पड़ेगा, ये सऊदी कंट्री है अपने देश नहीं है भैया, तो आप लोग रियल ये सब संभल के करिए, तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ मैं बतलाऊँगा, बारिश के बारे में बतलाया था बारिश की वीडियो में आ दिया, देखिए बारिश में गाड़ी कैसे, अभी तो बारिश ख़त्म हो गई है देख रहे हैं ना, देखिए मैं गाड़ी रुका हूँ तो इसके लिए मैं फ्लैश लाइट जला के ठीक आऊँ, देख रहे हैं बारिश रुकी हुई है गाड़ी जब आराम से जा रही है, खीर में मतलब छोटी लाइन हम लोग बोलते हैं ना ये है हाईवे वाला वो है, मलिक फहद के पास मैं बैठा हूँ तो खीर में वाला रोड पे पार्किंग के पास मैं बैठा हूँ, इधर के सामने फवाई बैंक है अलजीरा बैंक जो बोलते हैं ना उसी का है, इधर ही मैं गाड़ी एनी टाइम लगा के रुकता हूँ
हमारा जब कॉल आएगा तब यहाँ से हम जाएंगे रिसीव करने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ कोई दिक्कत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आइए। और जो वीजे फीजे का सब उसको बनाया हूँ वीडियो, इंशाल्लाह अभी और बना दूंगा जैसे जैसे टाइम मिलेगा। अभी थोड़ा मेरा डाटा का भी प्रॉब्लम, इसीलिए वीडियो अपडेट कम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वीडियो आपको अपडेट करता रहूँगा, एडिट वीडियो होता रहेगा। अभी छोटी छोटी जो अभी मेन बात है क्या है कि भाई लोग अभी जनवरी के बाद से रूटिंग सुधरने वाला है, क्या होने वाला है क्या नहीं, अभी तो बोलते हैं जनवरी के बाद से फ़्लाइट चालू होने वाला है, तो कुछ कब हो रहे हैं। अभी देखिए इंडिया में भी कहीं कहीं पर बोल रहे हैं लॉकडाउन लग गया है, दिल्ली मुंबई हरियाणा ये सब जगह पर सुनने में आ रहा लग गया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बतलाने का और वीडियो में समझाने के लिए कोशिश किया हूँ, हो चुका होगा अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए, तो और देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। और कुछ जो होगा सऊदी के बारे में न्यूज़ तो आप सबको ये बतलाना ज़रूरी था, इसीलिए मेरे को लगा कि हाँ ये वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ। ये सबसे ज़रूरी लग रहा है कि जो आ गए हैं नए भाई, कभी बारिश में नहीं गाड़ी चलाए हैं या इंडिया से आने वाले हैं, तो देखेंगे तो कुछ अनुभव मिल जाएगा, कुछ उन लोगों को हेल्प हो जाएगा बस। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ टॉपिक पे आएंगे। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे दबा के ऑल पे कर लीजिए कि जब भी हम वीडियो अपडेट करें तो आप लोगों के पास चला जाए सबसे पहले। ठीक है, तो ओके, अस्सलाम वालेकुम, मा सलाम।